सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने जो वीडियो रखी जा रही है वो है ईस्ट फेसिंग हाउस का नक्शा हम कैसे बनाएं। अगर आपका पूर्व मुखी मकान है तो उसका नक्शा हमें कैसे बनाना है, वास्तु के हिसाब से किन बातों का ध्यान रखना है, इसी बेस पे ये वीडियो आपके सामने रखी जा रही है। जैसा भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका ईस्ट फेसिंग हाउस है। ईस्ट फेसिंग हाउस है तो जाहिर सी बात है कि आपका ईस्ट कहाँ होगा, आपका ईस्ट आपका यहाँ होगा। ठीक है, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और इधर साउथ है। ठीक है, ये आपका साउथ वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा इधर, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये आपका साउथ ईस्ट है। ठीक है, ये जनरल सी चीज़ है ये आपकी। आगे चलते हैं, सबसे पहले बात आती है एंट्रेंस की। एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए? एंट्रेंस की हम बात करें तो एंट्रेंस मान लो हमने ईस्ट फेसिंग है ना, ईस्ट फेसिंग में हमें 3-4 की एंट्री देनी है। तो एक छोटा सा पोर्च बनाते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा सा जो है पेड़ पौधे के लिए जगह होनी ही चाहिए। ईस्ट है, ईस्ट में छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाएंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, यहाँ हमने पोर्च दिया छोटा सा, उसके बाद हमें गेट लेना है। तो गेट हमें बनाना है इस जगह पे। ये मैं आपको विदाउट मेजरमेंट बता रही हूँ, ध्यान रखिए। अब ईस्ट है, कई लोग क्या करेंगे, ईस्ट के बिल्कुल ठीक बीच में, मान लो 90 डिग्री का ही फेसिंग है, ठीक बीच में उन्होंने बना लिया, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमें 3-4 की एंट्री चाहिए और बिल्कुल ठीक जो ईस्ट होता है उसमें 4-5 की एंट्री होती है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को दिमाग में रखना। तो हमें ईस्ट का जो है E4 मिलता है और ENE का E3 मिलता है। तो हमें ईस्ट फेसिंग हाउस जो कि एक्यूरेट 90 डिग्री पे हो, उसमें हमें 3-4 की एंट्री चाहिए। तो हमें थोड़ा सा इस साइड में गेट बनाना होगा, पहली बात। ठीक है, ये गेट हो गया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब मान लो जो है हमें मंदिर लेना है, तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ले लिया हमने। मंदिर का आप ये देखिए, थोड़ा सा मैंने नॉर्थ ईस्ट का जो बिल्कुल दीवार से सटके, वॉल से सटके जो एरिया है वो थोड़ा सा छोड़ दिया है। आपको यदि मंदिर बनाना है तो कोशिश करिए कि यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की बन जाए, विंडो बन जाए, या फिर ये स्पेस ही थोड़ा सा खाली हो जाए, क्योंकि प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट है ये। खाली रखने की कोशिश करते हैं, और मंदिर भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मंदिर का भी ध्यान रखना है। मंदिर में थोड़ा सा कलर्स का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको रेड कलर येलो कलर नहीं करने हैं, दिक्कत देगा। ठीक है, कलर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है महावास्तु के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, गणेश जी, दो गणेश जी नहीं रखने। छोटी छोटी बातें मैं आपको पहले से बता के चल रही हूँ, दो गणेश जी नहीं रखने। दो गणेश जी नहीं रखने, नहीं तो बुद्धि आपकी भ्रमित होती रहेगी, कंफ्यूज होती रहेगी। दो दो डिसीजन आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है, दो दो बातें आपके दिमाग में आएंगी, तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। फिर नॉर्थ ईस्ट का हो गया, अब साउथ ईस्ट पे चलते हैं। साउथ ईस्ट में आपको पता ही है किचन बनाते हैं हम, यहाँ हमने एक छोटी सी किचन बनाई। वास्तु के हिसाब से सब काम करना है, किचन में भी जो है कलर्स का ध्यान रखना है, स्लैब कलर का ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, साउथ ईस्ट में किचन बना ली और एंटी कलर्स का यूज़ कर लिया तो वो दिक्कत देगा, और फिर बंदा कहता है कि वास्तु के हिसाब से मैंने काम किया है तब भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट में भी किचन का हमें ध्यान रखना है, किचन के कलर्स का ध्यान रखना है, स्लैब कलर सबसे मेन स्लैब कलर होता है। और अगर ये होता है कि मान लो साउथ ईस्ट में किचन नहीं बनी है, कहीं और बनी हुई है, तो फिर वो रेमेडीज़ भी हो जाती हैं बिना तोड़ फोड़ के, उसका भी जो है प्रोसेस आपका, एक तो क्लासेस का मैटर है, क्लास में क्लास में सीख सकते हो, या फिर यदि आपको कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप अपने बिना तोड़ फोड़ के अपने घर का नक्शा सही भी करवा सकते हो महावास्तु के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपका। नेक्स्ट है आपका, आपको मकान का जो मेन मुखिया है उसका कमरा बनवाना है, रूम बनवाना है। साउथ वेस्ट में हमने रूम दिया, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपका जो बेड है, बेड की जो लोकेशन है, बेड की लोकेशन का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि बेड आपका इस तरीके से आए
कि वो जो ये जो साउथ वेस्ट और साउथ है इसके बीच का जो पोर्शन होता है SSW, यहाँ से हमें अपने सर को बचाना है। खास ध्यान रखिए, तो हम कोशिश करेंगे अगर बड़ा प्लॉट का साइज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एरिया आपका कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर छोटे प्लॉट हैं, मान लो 30 बाई 30 के हैं या 15 बाई 30 के छोटे हैं, तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि SSW में बेड आ जाता है हमारे। तो कोशिश करिए कि बेड को हमें साउथ वेस्ट में करना है, और अगर नहीं है जगह तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन SSW से बचाना है। SSW मतलब साउथ और साउथ वेस्ट, दक्षिण और नृत्य कोण के बीच का जो हिस्सा होता है साउथ साउथ वेस्ट, वहाँ अपने बेड को या अपने सर को बचा के रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूम है आपका, मान लो ये बंदा कहता है कि मुझे कम से कम 2 कमरे तो चाहिए ही चाहिए, तो ये आपका हमने नेक्स्ट रूम दिया इस तरीके से, ये इस तरीके से एक रूम दिया। और दूसरा ये है कि जो सेंटर है, मेन सेंटर जो है, सेंटर से हमें हर चीज़ को बचा के रखना है, सेंटर पे कोई चीज़ क्रिएट नहीं करनी है, ध्यान रखिए। चलिए ये एक रूम बन गया। कलर्स का ध्यान रखना है सभी जगह। अब मान लो इसमें भी बैठ के हम बात करें, तो इसमें देखो वेस्ट का हिस्सा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट का आ रहा है वो भी सही है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आता है WNW। अब मान लो इस बंदे ने क्या किया कि बेड लिया और यहाँ लगा लिया, ठीक है, यहाँ इसका बेड है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, डिप्रेशन में चला जाएगा इंसान, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी बेड लोकेशन कहाँ है, वहाँ वास्तु में एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, खास ध्यान रखिए। तो हमें सब चीज़ों पे फोकस करना है कि हमें बेड कहाँ रखना है, हमें अपने टीवी कहाँ रख रखा है, अपने जो है लाइट का अरेंजमेंट कहाँ रखा है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है एक तो स्टोर भी चाहिए इस बंदे को, तो मानो हमने स्टोर ले लिया, यहाँ पे हमने एक स्टोर बना लिया, नॉर्थ वेस्ट में बहुत अच्छा काम करता है। टॉयलेट की बात आती है, टॉयलेट हम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे, ये आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो गया एक, ठीक है। और इसके बाद आपका ये जो एरिया है आपका, ये टॉयलेट हो गया आपका। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट बना रहे हैं आपका, ये वेंटिलेशन का एरिया है आपका, ये वेंटिलेशन है ग्रीन कलर से जो हो रहा है, ये आपका वेंटिलेशन है। इससे क्या होगा, आपके साउथ वेस्ट के रूम का वेंटिलेशन हो जाएगा, टॉयलेट का वेंटिलेशन हो जाएगा, और सेकंड रूम का भी वेंटिलेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वास्तु में सबसे पहले क्या है कि हवा पानी चारों तरफ से आनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ यही है। उस घर में राहु का असर नहीं रहता जिस घर में प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने 2 रूम दे दिए और ये सब हो गया। अब आगे जो है स्टेयर की बात करते हैं, स्टेयर कहाँ बनाएं। स्टेयर आपको इस एरिया में, आप साउथ के एरिया में स्टेयर बना सकते हैं, सॉरी, साउथ में आप स्टेयर बनाएंगे क्लॉकवाइज, बहुत फ़ायदा करती है, कोई दिक्कत नहीं आती, रेपुटेशन दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ नहीं करनी है, कई लोग क्या करेंगे, साउथ में स्टेयर तो बन गई, अब उन्होंने जो एक अमूमन इंसान के उसमें होती है कि जहाँ आपकी छत की सीढ़ियाँ हैं वहीं टंकी बना दीजिए पानी की, ओवर हेड टैंक बना दीजिए, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी भी साउथ में आपको ओवर हेड टैंक नहीं रखना है, वेस्ट में आप इसे रिप्लेस करिए, वेस्ट में बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी स्टेयर हो गई, किचन हो गई, रूम हो गए, दो टॉयलेट हो गई। अब आ गया है आपका ये जो बीच का एरिया आपका, नॉर्थ का जो एक रूम बन रहा है, छोटा सा, छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा है ये आपकी लॉबी हो गई, जहाँ आप अपना ड्राइंग रूम बनाएंगे। ड्राइंग रूम में भी ध्यान क्या रखना है, सेंटर में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, जो प्रॉपर घर का सेंटर है। साथ में ही क्या ध्यान रखना है, जब हमारे जो गेस्ट हैं वो इस तरीके से बैठें कि उनका फेसिंग जो है बाहर की साइड ना हो, इस तरीके से सीट अपनी रखिए, घर की तरफ वो बैठें, घर की तरफ बैठते हुए देखें। और दूसरा ये है कि कोशिश ये करें कि वो साउथ की तरफ फेस करके भी ना बैठें। ये कुछ छोटे छोटे बेसिक रूल्स हैं वास्तु के, जिनको अप्लाई करने से क्या है कि छोटे छोटे रूप में खुशियाँ हमारे घर में एंटर करती चली जाती हैं। फिर अगली चीज़ क्या है, ये तो आपका प्रॉपर एक नक्शा हो गया, ईस्ट फेसिंग है, 90 डिग्री है, ध्यान रखिए।
और अगर मान लो जो है ये टिल्टेड हुआ हाउस, तो फिर ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी इसी नक्शे में। जैसे टॉयलेट है, वो हो सकता है आपका ईस्ट फेसिंग जो है हाउस है 90 डिग्री ना हो के वो 100 है, या फिर आपका 120 है, तो वो टॉयलेट हो सकता है आपकी नॉर्थ वेस्ट में चली जाए या वेस्ट में चली जाए इसी नक्शे में। तो फिर क्या है, हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ती है। रेमेडीज़ में हम स्ट्रिप्स का और आपका बैलेंसर का, इन सब का यूज़ करते हैं। एडवांस टेक्निक के अकॉर्डिंग काम होता है, तो वो सब आगे की बात है। मैंने जैसे कहा कि क्लास का मैटर है, या फिर आप जो है अगर आपने ऐसा कर रखा है, आपका नक्शा इस तरीके से बना हुआ है, तो आपको जो है उस कंडीशंस में रेमेडीज़ करवा सकते हैं बिना तोड़फोड़ के। तोड़फोड़ नहीं होती इसमें, ध्यान रखिए माँ वस्तु में। तो ये भी छोटा सा नक्शा रखा है, इसमें आपको सेफ्टी टैंक का ध्यान रखना है, इसमें आपको ओवरहेड टैंक का ध्यान रखना है, इसमें आपको कलर्स का ध्यान रखना है, पीओपी डिज़ाइन का ध्यान रखना है। कि मान लो वेस्ट का रूम है, तो वहाँ पे आपने जो है अगर रेक्टेंगल शेप की पीओपी करा रखी है, ऊपर पीओपी डिज़ाइन डाल रखा है, तो वो दिक्कत देगा आपको। हर रूम में जो है हमें कौन सा पीओपी करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कलर्स का ध्यान रखना पड़ता है, किचन में स्लैब कलर का, टॉयलेट में जो है कलर्स का, टाइल्स का, पूरा वास्तु जो है हमें देखना पड़ता है, तब हम शांति से अपने घर में जी पाते हैं। ठीक है, छत का भी ध्यान रखना पड़ता है, छत पे आपने क्या सामान रख रखा है, स्टोर कहाँ बनाना है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो छोटी सी वीडियो है, लेकिन उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। जो मैं अपने दिमाग से सोचती हूँ कि अगर ईस्ट फेसिंग हाउस है, तो आप इस छोटी सी इन चीज़ों को ध्यान रखिए, और अगर बना चुके हैं, गलतियाँ कर चुके हैं, और आपका वास्तु अकॉर्डिंग नक्शा नहीं बना है, और आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो आप उसको सुधार सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर को दे रखा है, इससे कांटेक्ट करके आप अपना नक्शा सही करवा सकते हो बिना तोड़फोड़ के, या फिर हमसे ही नहीं किसी से भी करवाइए। मेन मोटिव क्या है इस वीडियो का, मेन मोटिव ये है कि आप अपनी गलतियों को सुधारिए। आदमी जो परेशान हो जाता है ना, एक तो वैसे ही इस समय की बात मैं कह रही हूँ, इस समय जो है इंसान वैसे ही इतना परेशान है, एक महंगाई कह लो और एक रिश्तों को कह लो, आदमी हर परेशान, हर कोई आदमी परेशान है इस समय, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। और उसमें यदि उसने नक्शा भी बनाया, सॉरी नक्शा नहीं, अपना घर भी बनाया है कि भाई अब चलो मैं सेटलमेंट कर लूँगा अपनी लाइफ को, उस घर में जाके भी उसे प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर वो वास्तु दोष है। ठीक है, बहुत मुश्किल से इंसान घर बनाता है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वास्तु दोष है उसमें। उस वास्तु दोष को सुधारिए मकान बनने से पहले। यदि आप देख लेंगे कि आपका ईस्ट फेसिंग है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नक्शा हमें कैसे बनाना है, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रख के करेंगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और या फिर किसी आप एक्सपर्ट से करवा लीजिए, हमसे करवाइए, किसी से भी करवाइए, तो आपको सुविधा ज़िंदगी भर के लिए मिलती है। तो ठीक है, अगली वीडियो में जो है मैं वेस्ट फेसिंग के बारे में बताऊंगी, किसी का वेस्ट फेसिंग हाउस है, पश्चिम मुखी मकान है, उसका नक्शा कैसे बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको एक इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ हमें इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप कमेंट में जो है लिख सकते हो, जिससे क्या कि मोटिवेशन मिले कि हाँ चलो हम इसी वीडियो पे आगे काम करें, और शेयर भी कर सकते हो, जो आपके जान पहचान के लोग हैं उन्हें शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और यदि जैसे मैंने कहा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लास का मैटर है। और यदि आप बनवाना चाहते हो अपने घर का नक्शा, या घर का नक्शा बन चुका है उसको सही कराना चाहते हो बिना तोड़फोड़ के, तो इन सब चीज़ों की सुविधा आपको इस व्हाट्सएप नंबर से मिल सकती है। चलिए ठीक है, अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं, तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण। गणेश जी जो है बुद्धि देने वाले भगवान हैं।